तो देखिए, दो तरीके का ट्रांजैक्शन हम लोग सीखने वाले हैं। एक इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ठीक, कॉमन ये तो हम नहीं बताए थे कि, तो देखिए इंट्रा स्टेट यानी राज्य के अंदर और इंटर स्टेट यानी राज्य के बाहर। तो जब राज्य के बाहर से कोई सामान खरीदेंगे तो IGST और राज्य के अंदर से कोई सामान खरीदेंगे तो CGST और SGST। अब देखिए इन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप टैली को ओपन करें। ओपन करने के बाद अब नोट्स को आप ओपन कीजिए। अब देखिए सवाल उसमें क्या है। पहला, 2 अप्रैल 2021 5 पीस इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी लोकल RS 230 ईच बाय इनवाइस नंबर टैक्स 005। गुड्स को कहाँ स्टोर किया गया? शॉप में। तो इंटेक्स टेक्नोलॉजी से 5 पीस खरीदा गया है इंटेक्स जंबो कीबोर्ड जिसका रेट है ₹230। और इंटेक्स जंबो कीबोर्ड आपने पार्टी सॉरी आइटम बनाया होगा। पेज पलटिए और उसमें देखिए लिखे होंगे आप लोग सीरियल नंबर 8 पे देखिए इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। जस्ट एक पेज पलटिए 47 नंबर पे आइए। ठीक, अब देखिए यही सामान हमें क्या करना है, खरीदना है और इस पे GST कितना है 18%। तो आप चले जाइए डायरेक्ट वाउचर और खरीदने का शॉर्टकट की क्या होता है F9 परचेस के लिए। अब ये देखिए अभी मोड बता रहा है कि ये आपका अकाउंटिंग इनवॉइस है, तो मोड चेंज करने के लिए Ctrl+H आइटम है। क्योंकि जब भी कोई भी प्रोडक्ट का नाम आ जाए तो समझ जाइए उसकी एंट्री किस पे होगा, आइटम इनवॉइस पे। तो देखिए सप्लायर का इनवाइस नंबर क्या है, तो उसमें लिखा है टैक्स 005। किस डेट को खरीद रहे हैं तो आप डेट डाल दीजिए, किससे खरीद रहे हैं आप यहां बना लेंगे इंटेक्स। पार्टी का नाम क्या था? इंटेक्स टेक्नोलॉजी। अंडर ग्रुप खरीद रहे हैं तो जिससे खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर होता है और सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर। बाकी एड्रेस वगैरह आप लोग भरे होंगे इसीलिए पहले बनवा दिया गया, मैं बस Alt+C करके उसी एंट्री को फॉरवर्ड कर दूंगा। और यहाँ पे आप GSTIN नंबर भी भरे होंगे। पेज पलटिए और लिखा होगा देखिए इंटेक्स टेक्नोलॉजी 14 नंबर पे। ठीक है, सीरियल नंबर 14 मिला। तो बाकी का इंफॉर्मेशन आप फिल किए रहेंगे, मैं इंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा। स्किप कर दिए वाउचर परचेस। देखिए खरीदना, सवाल ये था कि इंटेक्स टेक्नोलॉजी से मुझे 5 पीस कीबोर्ड खरीदना है जिसका रेट है ₹230। एक कीबोर्ड का रेट है ₹230 और बिल नंबर क्या है टैक्स 005। स्क्रीनशॉट भी देखा कीजिए आप लोग। तो देखिए लिखा है टैक्स 005, डेट 2 अप्रैल। खरीद किससे रहे हैं? इंटेक्स टेक्नोलॉजी। बाकी यहां से आप इंफॉर्मेशन फिल कराए होंगे, पार्टी का नाम बनाए होंगे आप लोग। अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्या खरीद रहे हैं आप? इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। तो यहाँ पे मैं तो Alt+C कर लूंगा लेकिन आप लोगों में वो लिस्ट आ जाएगा, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। अंडर ग्रुप आपको पता है ये क्या है, कीबोर्ड। बाकी पीस इंटर करते हुए GST कितना है इस पे, तो मैं यहाँ सेट कर लूंगा 18। कर लीजिए, अब उतना
एक-एक डिटेल आप लोग को हर चीजें बताया जाए तो टाइम लगेगा। डिस्क्रिप्शन में क्या भरा जाता है आपको पता है, विवरण भरा जाता है आप भर लीजिए, एचएसएन कोड आप लोग भरे होंगे ठीक। अब इसमें से मैं ढूंढ के एक एक चीज भरते रह जाऊंगा, एंट्री होता रह जाएगा ठीक है। मैंने टैक्स किया टैक्सीबल, टैक्सीबल रहेगा तभी जाके यहाँ आईजीएसटी पे आएगा। उप्स लेते हुए सिर्फ किस लोकेशन यानी किस गुड़ान में स्टोर है, शॉप में कितना पीस, रेट कितना है 1150 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर कीजिए, यहाँ पे देखिए आइटम का नाम पूछेगा, फिर स्पेस बटन दबाएंगे तो हमें आइटम नहीं, अब क्या करना है जीएसटी अप्लाई करना है। इंडोप्लिस और इंटेक्स टेक्नोलॉजी कहाँ का है सप्लायर, नोएडा यूपी का है और यूपी के डीलर से आप खरीद रहे हैं। कंपनी कहाँ स्थित है, यूपी में ही, तो यूपी में कंपनी और वहीं के डीलर से आप सामान खरीद रहे हो तो कौन कौन सा जीएसटी लगेगा, तो सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट टैक्स यानी एससीएसटी। कितना, 103 रुपए 50 पैसा अमाउंट मैच किया, 1350 रुपए का ये बिल बना। इंटर करते हुए सेव कर लीजिए, समझ में आया। पेजअप करेंगे पुरानी एंट्री तुरंत आ जाएगा, डेबुक में खड़े रहते हो, डेबुक में नहीं बाउचर। टैक्स इनवाइस नंबर डालना है, टैक्स टेक्नोलॉजी पार्टी का नाम जिससे सामान खरीद रहे हैं, परचेस, परचेस का लीजर पूछेगा तो हमेशा यहाँ पे परचेस का ही लीजर होगा, सेल करेंगे तो यहाँ सेल का लीजर। कौन ये टैक्स 005 जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम है ठीक है, जहां से आप सामान खरीदेंगे तो दुकानदार का नाम लिखेंगे ना, वो बिल देगा ना आपको कि हाँ हमें यहीं से बिल रिसीव हुआ। अब यहाँ सेंट्रल टैक्स, क्यों सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि लोकल है। अगर ये पार्टी दिल्ली का महाराष्ट्र का होता तो कौन सा टैक्स लगता, आईजीएसटी। तो क्या यहाँ आईजीएसटी काम करेगा, अगर मैं अल्ट सी कर दूं और यहाँ पे आईजीएसटी नाम से लेजर बना दूं और इसको रख दिया किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी और यहाँ आईजीएसटी, तो क्या यहाँ टैक्स कटेगा, नहीं। क्यों नहीं उठाया, क्योंकि ये लोकल परचेस है, आपका कंपनी यूपी में है और यूपी के ही किसी सप्लायर से खरीद रहे हो, तो यहाँ आईजीएसटी काम नहीं करेगा, केवल सीजीएसटी और एससीएसटी। तो ये पहला एंट्री समझ में आया, दूसरा फिर देखो, दूसरा उसी तरह है, बता दे रहे हैं देख लो। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 10 पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो परचेस किया गया है, किससे, लेनोवो लिमिटेड से, और ये लखनऊ का है जिसका जीएसटीआईएन नंबर ये है। ईच बाई इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर टैक्स 098 है, 6 पीस खरीद के स्टोर कहाँ किया गया, शॉप में, और 4 पीस वेयर हाउस ठीक। तो देखो लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो खरीदा जा रहा है, कितना पीस, 10 पीस, और किससे खरीदा जा रहा है, लेनोवो लिमिटेड से, और एक का रेट है 1050 रुपए। तो खरीद लो इसे, पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम यानी जिससे खरीद रहे हो, तो किससे खरीद रहे हो, लेनोवो लिमिटेड। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, टैली खत्म होने वाला, संडे क्रेडिटर, जिससे खरीदते हैं वो संडे क्रेडिटर। और यहाँ बाकी आप लखनऊ वगैरह सब भरे होंगे, मैं इंटर करते हुए छोड़ दे, आप लोग बना के रखे हैं ठीक है।
और यहाँ परचेस में क्या रहेगा, परचेस नेम, यहाँ से कैसे चेक हाँ वहां पे वो नहीं चेक करेंगे वो आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है, परेशान होंगे, अल्ट सी बार बार करना पड़ेगा, अमाउंट नहीं मैच करेगा, परेशान होंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या खरीद रहे हैं, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो, तो अल्ट सी और यहाँ पे आप लेनोवो 100, सही तो है, लेनोवो बात नहीं, ठीक है, उसी में लगता है गलत है, लेनोवो, ठीक है, हाँ लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो अंडर ग्रुप आप बनाए होंगे, नहीं पता है तो आप पलट लीजिए और इसमें से ढूंढ लीजिएगा। मैं इसको प्राइमरी रख दिया, नॉट अप्लीकेबल यहाँ, पीस कितना परसेंट इस पे जीएसटी है, तो यहाँ टैक्सेबल और 18%। बुक्स लेते हुए कहाँ स्टोर करना है, तो देखो शॉप में कितना, 6 पीस, तो पहले लो शॉप, कितना पीस, 6 पीस, रेट कितना है, 1050, फिर स्पेस और कर दोगे वेयरहाउस, कितना पीस, रेट वही 10 पीस खरीद दिए, कौन कौन टैक्स लगेगा, क्यों लगेगा, यही अपने ही राज्य के सप्लायर से सामान खरीद रहे, देखना है कि इस पे टैक्स कितना लगा है, तो यहीं पे देखो मिल जाएगा रिलेटेड रिपोर्ट, शॉर्टकट की क्या दबाएंगे, कंट्रोल ओ, क्योंकि डबल लाइन है, तो आप यहाँ कंट्रोल ओ बटन दबाओ, खुल जाएगा जीएसटी एनालिसिस, इंटर करो और अल्ट के साथ F1 एक्सपांड डिटेल, लेनोवो 100 वायरलेस पे कितना परसेंट जीएसटी लगा, 9% सेंट्रल टैक्स और 9% स्टेट टैक्स, टोटल टैक्स 1890 रुपए आप पे करने वाले हैं, इन द लिस्ट करते हुए सेव कर। रिपोर्ट कैसे चेक करना है, देखिए पहले नंबर तो आप अल्ट ए बटन दबाए, अल्ट ए से होता है टैक्स एनालिसिस, और अल्ट F1 कर दोगे एक्सपांड डिटेल, ठीक है, समझ गए, इंटर करते हुए सेव। अब देखो ये लोकल परचेस हो गया, नेक्स्ट क्या है, इंटर स्टेट परचेस, इंटर स्टेट का मतलब समझते हैं राज्य से बाहर, तो अब देखिए इंटर स्टेट परचेस करने के लिए, समझ गया है डेफिनेशन, कि राज्य से जब भी कोई बाहर से कोई सामान या सर्विस खरीदा जाता है तो उसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इस समय कौन सा टैक्स लगता है, IGST, देखो तो यहाँ स्क्रीनशॉट ही दे दिया है IGST का, इंटीग्रेटेड टैक्स का, रखा है किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ऐसे आप लेजर बना लोगे IGST का, एक लेजर बनाओगे परचेस इंटर स्टेट का, ठीक। अब सवाल देख लो, 2 अप्रैल नहीं बना होगा, ये बनाना पड़ेगा IGST और इंटीग्रेटेड टैक्स और परचेस इंटर स्टेट का, देखो सवाल क्या है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 फॉलोइंग गुड्स परचेस फ्रॉम HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंटर स्टेट इनवाइस नंबर GST/009 गुड्स स्टोर एट वेयरहाउस, ये नीचे दिए गुड्स को खरीदना है किससे, HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और वो गुड्स क्या क्या है, तो HP कोर i3 लैपटॉप है 5 पीस जिसका रेट है 24,500, HP लेजर जेट 1020 प्लस प्रिंटर 5 पीस रेट है 8,200, और ये डीलर कहाँ का है,
आप बनाए होंगे, दिल्ली का नहीं बनाए होंगे, पीछे देख लीजिए। ठीक, तो देखिए सप्लायर का इनवाइस नंबर क्या है, GST/00, जिस डेट को खरीद रहे हो अप टू करके डेट चेंज, किस पार्टी से खरीद रहे हो, तो HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सिंडिकेटर, जिससे भी खरीदेंगे सिंडिकेटर। और ये पार्टी कहाँ का है, तो डी बटन दबाएंगे स्टेट में आ जाएगा दिल्ली, और दिल्ली का स्टेट कोड आप भरे होंगे 07। आप लोग बनाए हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं, पार्टी को सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी भरिए, रेट भरिए, उठा लिया, मुझे में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बनाया नहीं, इसीलिए एलटीसी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैं ASDF G 5 अल्फाबेटिक 4 न्यूमेरिकल फिरिंग, यहाँ तक तो हो गया पैन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्लैंक डिजिट और चेकसम डिजिट, इंटर करते हुए हाँ वो गलत है, मैं फॉर्मेट डाला। और यहाँ परचेस एक इंटर स्टेट का लेजर बना दो, अल्ट सी और इंटर स्टेट, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेस, चाहे लोकल हो या इंटर स्टेट, हमेशा टाइप ऑफ सप्लाई, क्या खरीद रहे हो, HP कोर i3 लैपटॉप, तो यहाँ पे अल्ट सी और HP कोर i3 लैपटॉप, अंडर ग्रुप चलो हम लैपटॉप कर दिए या प्राइमरी यूनिट पीस, कितना परसेंट इस पे GST है देख के बताइएगा, हाँ पीस पलटिए और आइटम में देखिए आप लोग 18। ठीक, गुड्स लेते हुए सिर्फ कहाँ पे इसको स्टोर करना है, वेयर हाउस में, कितना पीस, 5, रेट 24,500। दूसरा सामान क्या है, HP लेजर छे, अल्ट सी HP लेजर जेट 1020, ये प्रिंटर का टाइप है, और यहाँ मैंने प्रिंटर या तो बना लेंगे नहीं तो प्राइमरी। 20 कितना परसेंट GST, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 18। ठीक, इसको भी वेयर हाउस, कितना पीस, रेट 8200, इंटर, देखिए दो बार इंटर करना है, आइटम के जस्ट नीचे आए ना, क्या बोले हैं, व्हाट आई डोंट पा रहा है, इंटर करोगे दो बार आ जाएगा कर्सर नीचे, और यहाँ कौन सा GST लगेगा, यहाँ सेंट्रल टैक्स कटवाओगे नहीं उठाएगा, स्टेट टैक्स कटवाओगे नहीं उठाएगा, IGST का बनाए तो है, IGST उठा लिया कितना, 29,430। इस ऑप्शन को कर दोगे नो ईवे बिल को, और इंटर करते हुए तो राज्य से बाहर से सामान कोई खरीदोगे तो IGST, और राज्य के अंदर से कोई सामान खरीदोगे तो, एक और सवाल है कर लेंगे कि बता दें, डिस्काउंट अभी कहाँ लगाना सिखाएं, आगे है कल 7वां, 9वां क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अभी तो
डिस्काउंट वाला, आठ भी नहीं है। तो ये आप लोग यहां तक कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन, सातवां बता दें, देख लीजिए। चलो देखो, सवाल ये है, फॉलोइंग गुड्स परचेस, नीचे दिए गए सामान को खरीदना है किससे? आई बाल टेक्नोलॉजी से। ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। बिल नंबर है 089, स्टोर किया गया है वेयर हाउस में। क्या क्या सामान है तो देख लो, पार्टी का नाम पहले बना लो, आई बाल टेक्नोलॉजी, अल्ट सी कहिए, आई बाल टेक्नोलॉजी, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, इंटर करते हुए किस स्टेट का है? महाराष्ट्र, तो कर दो महाराष्ट्र, बाकी कंट्रोल है। परचेस पूछेगा, परचेस इंटर स्टेट, क्या क्या आइटम है? तो आई बाल डुआ 111, इतना बड़ा नाम दे दिया है कि लिखने में ही टाइम लग जाएगा। आई बाल डुओ 111 वायरलेस, वायरलेस कॉम्बो, अंडर ग्रुप कीबोर्ड। तो चलो यहाँ कीबोर्ड कर ली। पीस और टैक्स कितना है इस पे? 18%। चलो किस स्टोर में करना है? कितना पीस? 10 पीस। रेट 1050। फिर दूसरा सामान, आई बाल फ्रीगो G2O, वायरलेस, अंडर ग्रुप माउस। चलो माउस मैं अल्ट सी करके बना ही दिया। कैटेगरी छोड़ दो, यहां कर दो पीस। रेट कितना है इस पे भी? 18%। टैक्स हायरार्की एक दिन बता देंगे, कब ग्रुप पे लगाएंगे टैक्स, कब आइटम पे, कब लेजर पे, ठीक है? तब समझ में आएगा। अभी कई जगह टैक्स पूछता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कहाँ टैक्स डाले कहाँ नहीं डाले, तो बता देंगे टैक्स हायरार्की कल, कल नहीं अब परसों, अभी बता रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले वेयर हाउस, कितना पीस? 10 पीस। रेट 360। नेक्स्ट आइटम क्या है? ईयर वियर बेस पे, ईयर प्रो, ये क्या है? ईयरफोन, तो ईयरफोन नहीं है, आए चलिए। पीस GST 18। लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 10, रेट 450। नेक्स्ट क्या है? आई बाल क्लासिक 2.1 स्पीकर, चलो ये क्या है? स्पीकर है, चलिए अल्ट सी की स्पीकर। पीस 5 पीस। रेट 1400। अब दो बार इंटर कीजिए, कौन सा टैक्स? बस टैक्स अमाउंट मैच करवा लीजिए, 4608, सही है। इंटर करते हुए ये हो गया कंप्लीट। डिस्काउंट कल, कल नहीं अब परसों।